पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू की जानी चाहिए। आपको बता दें, पेगासस डील के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इस अर्जी में विवादित डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि भारत की सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए $2 अरब के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस को खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट में मूल पेगासस के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता रहे वकील एम एल शर्मा ने ही याचिका दाखिल की है। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से एनवाईटी रिपोर्ट का संज्ञान लेने और उन सभी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है जो इजराइल के साथ सौदे में शामिल थे। इसके साथ ही याचिका में भारत इजराइल के बीच हुए सौदे की जाँच की भी मांग की गई है। इससे पहले सीजीआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस डील से जुड़े केस में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एम एल शर्मा ने जाँच की मांग की है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।